तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड। वीजा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा जॉर्डन के वीजा ऑन अराइवल के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा जॉर्डन का वीजा ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हैं। जॉर्डन का जो वीजा ऑन अराइवल है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर जॉर्डन की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको जॉर्डन वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी सिचुएशन है, काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। वो सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जॉर्डन का वीज़ा ऑन अराइवल कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको अपडेट दूंगा और आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप जॉर्डन का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। मैं बहुत कुछ अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे जॉर्डन के वीज़ा के बारे में। जॉर्डन का वीज़ा ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हैं। आप चाहें तो जॉर्डन का वीज़ा जॉर्डन की एम्बसी में जाके ले सकते हैं, और अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप जॉर्डन का वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या क्या है वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि जब से कोविड आया है जॉर्डन का जो वीज़ा है उससे बहुत कुछ चेंजेस हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इसमें क्या सिस्टम है? सिस्टम ये है कि अगर आप जॉर्डन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा ऑन अराइवल है, और वीज़ा ऑन अराइवल की जो फीस है वो आपका फोर्टी जॉर्डन दिनार है। तो ये आपका वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है, इसको आप पे करके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो ये जॉर्डन की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, इसको आप देख सकते हो। और लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आप जॉर्डन जब विजिट कर रहे हो तो आपके पास राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए, होटल का बुकिंग होना चाहिए, लेकिन आपका जो टूर है वो टूर आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मतलब आपने जॉर्डन जाने के लिए जो टूर बुक किया है, ट्रैवल एजेंसी से ही आपने टूर बुक किया हो। ऐसा नहीं है कि आपने टिकट लिया और आप वहाँ चले गए राउंड ट्रिप का, और होटल की बुकिंग कर, आपने होटल की बुकिंग किया, आपने टिकट लिया और चले गए आप जॉर्डन घूमने के लिए, तो हो सकता है कि वो आपको एंट्री ना दें, हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दें। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। जो अब साइट में तो यही लिखा हुआ है कि अगर आप जॉर्डन जा रहे हो तो आपकी जो ट्रिप है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, किसी रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, किसी आप जो ट्रिप पर जा रहे हो वो जो एजेंट जो स्पॉन्सर ट्रिप हो वो किसी एजेंट के ज़रिए आप जा रहे हो, किसी रजिस्टर्ड एजेंट के ज़रिए आप वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हो। तो ये साइट पे है। बाकी आप वीज़ा पॉलिसी में जाएंगे, जॉर्डन वीज़ा पॉलिसी में आप देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जॉर्डन वीज़ा ऑन अराइवल इंडियन पासपोर्ट होल्डर को दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद आप दूसरी साइट पे जाओगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, वहाँ पर आप जाओगे देखोगे तो उसमें ये है कि अगर आप जॉर्डन जा रहे हो तो अगर आपके पास गल्फ़ कंट्री का रेजिडेंस परमिट है, अगर आप गल्फ़ कंट्री में किसी भी कंट्री में आप काम करते हो और वहाँ का रेजिडेंस परमिट आपके पास है तो आपको जॉर्डन का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। और अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो आपके पास US, UK या ऑस्ट्रेलिया का आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए तो आपको जॉर्डन का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। तो ये दिया हुआ है वेबसाइट पे, आप इसको भी देख सकते हो। और अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है US का, UK का, तो आपको जॉर्डन का वीज़ा मिलने में काफ़ी आसानी रहेगा। तो अगर आपके पास गल्फ कंट्रीज़ का रेजिडेंस वीज़ा है तो भी आपको जॉर्डन का वीज़ा मिलने में काफ़ी आसानी रहेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी आपके सामने ये जॉर्डन की हाई कमीशन है, जॉर्डन की एम्बसी है जो कि इंडिया में है, और ये आपके सामने नंबर दिख रहा है, ये आपके सामने ईमेल दिख रहा है। आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो अगर आप जॉर्डन जाने की सोच रहे हैं, अगर आप जॉर्डन जाना चाहते हैं तो कोविड के टाइम काफ़ी कंट्रीज़ का रूल चेंज हुआ है, काफ़ी नियम चेंज हुआ है। तो एक बार आप जॉर्डन जाने से पहले आप इस नंबर पर कॉल ज़रूर करिएगा, और इस नंबर पर आप इस ईमेल पर ईमेल ज़रूर करिएगा। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इस ईमेल पे आप ईमेल करोगे तो आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।